खस्ता हाल सड़क को लेकर आज पांचवी बार आम जनता के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। जायज मांग ठहराते हुए राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोगों ने भी धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। आपको बता दें कि 2017 में दिनेशपुर बाया मटकोटा गदरपुर मार्ग तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लगभग 75 करोड़ से बनवाया था और सड़क की हालत खस्ता हाल है, जिसका पुनः निर्माण के सामाजिक संगठन और आम जनता का धरना चालू रहा। समाजसेवी सुब्रत कुमार विश्वास, संजय आइस, किशोर कुमार और विभिन्न संगठनों ने धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। इस दौरान समाजसेवी सुब्रत कुमार विश्वास ने कहा कि उक्त सड़क में आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटना हो रही है और कई लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है, लाशें गिन रहे हैं, विधायक और सांसद चुप बैठे हैं और सांसद तो पिछले कई वर्षों से गायब हैं। क्षेत्र की समस्या से कोई लेना देना तक नहीं। इस दौरान नेता वरिष्ठ नेता सुभाष व्यापारी ने कहा कि सरकार राज्य का विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पर सांसद राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट अपनी सांसद निधि ही खर्च नहीं कर सकी, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह कैसे विकास होगा। और भी मौतें होंगी और भी एक्सीडेंट्स होंगे, इसके लिए सरकार प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार होगी। और ये जो परसों मौत हुई है, इसके लिए भी सरकार प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। यदि सरकार सुध लेती, क्योंकि जब ये G20 हुआ उस समय रातों रात सड़क बन जाती है, कल कोई VIP सड़क से गुजरेगी अगर उनका ये रूट होगा ना, तो रातों रात ये सड़क बन जाएगी, तो वो तब कैसे बन जाता है। तो सरकार सक्षम होती है किसी भी काम को करने के लिए, अगर सरकार के पास काम करने की नीयत हो। इनके पास काम करने की नीयत नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के लोभी हैं। सत्ता है कि इस सड़क को लेकर ना जाने कितनी बार संघर्ष कर चुके हैं, कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं, कितने बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन ये सरकार के कानों में जूं तक नहीं रखती है। और आने वाले समय में सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को ये समझ लें कि हमारी कुर्सी जानी तय है, क्योंकि जो स्थानीय विधायक है वो घर पर बैठ गए हैं जब से ये मंत्री पद से हटे हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो इस घमंड में चूर हैं कि मोदी जी मेरी पीठ थपथपा रहे हैं, उनको बाकी चीज से कोई मतलब नहीं है। एक बार हरीश रावत जी ने लगभग 70 करोड़ से बनाया था, तत्काल रोड खराब हो गए, लेकिन अरविंद पन्नेर कह रहे हैं कि मैं SIT जांच करूंगा, कोई जांच नहीं हुई। वास्तविक जिम्मेदारी कौन है मौत की? वास्तविक जिम्मेदारी इस तत्कालीन सरकार है, क्योंकि इस तत्कालीन सरकार को अगर जांच करवा के रिपोर्ट अभी तक पेश कर देनी चाहिए। इनका मनसा नहीं है कि यहाँ पर जो दिनेशपुर क्षेत्र में, इनको मालूम है इस क्षेत्र में जनता को चाहे मरे कटे कुछ भी करे वोट BJP को देगा। ये मिथ्या कहीं ना कहीं टूटनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसका जो सांसद है, यहाँ पर जो बच्चे मर रहे हैं, कई परिवार मर रहे हैं, कई परिवारों के बच्चे उजड़ गए, पिता उजड़ गए, कहीं के सुहाग उजड़ गए इस रस्ते के ऊपर, और सांसद यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा। 5 सालों तक किसी भी तरीके से कोई काम नहीं किया और रोड की व्यवस्था करने के लिए सुधार नहीं। जब G20 का मीटिंग चली थी तब यहाँ पर बहुत इन लोगों ने दिखाया, दुकानें तोड़ दी, घरें तोड़ दी, मगर एक सड़क बनाने के लिए ये धरने में बैठे, और कई धरने इससे पहले भी हो चुके हैं, मगर इनके कोई सुध नहीं लेते। रोड बना देते, डामरीकरण कर देते, फिर वो चाहते मत गड्ढा। वही स्थिति है यहाँ पर, ना सांसद का सुनवाई है ना विधायक का सुनवाई है, और खासतौर विधायक और सांसद तो ऐसे हो गए यहाँ अंधे हो गए, यहाँ पर बिल्कुल उनकी सुनवाई नहीं है। ऐसा ना कह सकते अंधे और बहरे, आप कुछ भी बोल लो, इनको कुछ भी कर लो, इनको सुनना नहीं है। मगर अब इनको समझना पड़ेगा, मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत परिवार उजाड़ लिए सांसद और विधायक ने। अगर आने वाले टाइम में 1 माह का समय दिया जा रहा है, 1 माह के अंदर ये अगर इसको सुध नहीं लेते और रोड नहीं लेते, तो यहाँ पर एक बड़ा जन आंदोलन होगा। पिछली बार जन आंदोलन से ये रोड बना था, और अब की बार जो जन आंदोलन होगा उससे इसका सत्ता उखाड़ के फेंकने का कार्य किया जाएगा। और नहीं तो मैं विधायक से भी कहना चाहूँगा, सांसद महोदय से भी कहना चाहूँगा, घर में सोए पड़ो, जाग जाओ, और ये जनता की मौत का बदला आपको आने वाले आगामी चुनाव में भी दिया जाएगा। बहुत बहुत